Hello students, I am your science teacher. Today we will learn about our universe. Part 1st, subject science, chapter number 13, class 3rd. आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में. अपने यूनिवर्स के बारे में हम आज क्या करेंगे, जानकारी लेंगे. Life exists only on the earth. Life सिर्फ पृथ्वी पे ही है. अगर हम और प्लैनेट की बात करें तो और प्लैनेट पे कोई भी किसी प्रकार का भी कोई लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है. सिर्फ अर्थ पे ही क्या है, जीवन है. अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 इज लैंड. देखो 3/4 भाग क्या है हमारा, जो कि जल से भरा हुआ है. यानी 3/4 भाग इस पूरे अर्थ पे क्या है, वाटर है, जल है. और 1/4 भाग इसमें क्या है, सिर्फ लैंड है, जिसमें कि हम लोग रहते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और जो ये अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है, एक क्या है, ब्लैंकेट एंड कंबल जैसा ही क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है एक एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो अर्थ है हमारा ये भी क्या है, ये सोलर सिस्टम का क्या है, ये भाग है, ठीक है, और मेंबर है, सदस्य है. द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू द सोलर सिस्टम. देखो सूर्य और इसके 8 जो क्या है, 8 प्लैनेट हैं, ये किससे संबंध रखते हैं, सोलर सिस्टम से. ऑल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जो 8 जो हमारे प्लैनेट हैं ये किसके चारों तरफ चक्कर मारते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, ये घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं. The 8 planets of the solar system are. 8 जो planet हैं, 8 जो ग्रह हैं, वो कौन-कौन से हैं? Number 1 है Mercury, फिर Venus, फिर Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus and Neptune. तो ये क्या हैं? Earlier क्या था? Pluto was the 9th member of the solar system. Pluto आपने सुना होगा, ये क्या था? ये 9वां ग्रह था. किसका? Solar system का. It is still in a orbit, but now it is not considered as a planet. इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर वो सारे गुण नहीं थे जो 8 प्लैनेट में हैं, वो उसके अंदर ये चीजें नहीं थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया इसको. With the passage of time, Pluto has reduced in size. Pluto क्या हो रहा था, अपने साइज को घटा भी रहा था. Because of which it does not has all the characteristic of planet. इसके अंदर वो चीजें नहीं विद्यमान थी जो और प्लैनेटों में है, वो इसके अंदर वो खूबियां नहीं थी, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब आता है फर्स्ट द सन. द सन इज ए स्टार एंड ए बिग बॉल ऑफ फायर. आपको मालूम है कि सन क्या है, स्टार है, और ये क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर, यानी बहुत बड़ा एक आग का गोला है. इट गिव्स हीट एंड लाइट. इट डज नॉट मूव लाइक प्लैनेट्स. देखो ये क्या देता है, हमको हीट देता है, गर्मी देता है, लाइट यानी प्रकाश देता है, लेकिन ये क्या है, एक ही जगह क्या है, स्थिर है, ये कहीं भी घूमता नहीं है. जैसे कि और प्लैनेट क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य क्या है, अपनी जगह एक जगह स्थिर है. द प्लैनेट्स प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट का अपना कोई खुद का किसी भी प्रकाश नहीं है. कोई भी प्लैनेट हो उसका खुद का क्या नहीं, अपना प्रकाश नहीं है. The sunlight that fall on them get reflected and make them glow. देखो जब सूर्य की किरणें इन प्लैनेटों पे गिरती है तभी जाके वहां पे क्या होता है, एक चमकते हैं ग्रह, तभी जाके वहां पे प्रकाश होता है. अन्यथा वहां पे भी क्या होगा, अगर सन के उस पर रेज न गिरे तो क्या हो जाएगा, वहां पे अंधकार हो जाएगा. जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पे जब सनलाइट होती है तो क्या होता है, दिन का उजाला हो जाता है. आप देखते होंगे रात को सनलाइट नहीं होती, इसलिए क्या होता है, अंधेरा होता है. नेक्स्ट आता है आपका द अर्थ. आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. देखो हमारा अर्थ क्या है, 8 जो क्या है ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह कौन सा है, अर्थ भी है. आवर अर्थ सीम्स टू बी फ्लैट बट एक्चुअली इज राउंड एंड slightly flat at the poles. देखो हमारा जो है क्या दिखता है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, हमको कि फ्लैट है, एकदम समतल है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, वाकई में ये क्या है, एक गोल है. लेकिन जो इसके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं
उन जगहों पे क्या होती है, थोड़ा थोड़ा चपटी होती है। देयर आर सम फैक्ट्स दैट प्रूव आवर अर्थ इज राउंड। हम यहाँ पे बल कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है ये क्या है, गोल है। फर्स्ट, फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स लाइक ए हॉट बॉल फ्लोटिंग इन द स्पेस। अगर हम स्पेस पे जाएं तो वहां से हमको क्या होगा, अर्थ को अगर हम वहां से देखें स्पेस से तो अपने आप एक दिखेगी लटकी हुई गेंद की जैसे, हमको क्या दिखेगा, वो गोल दिखेगी। एस्ट्रोनॉट ऑल्सो सो द अर्थ लुक राउंड फ्रॉम द मून। अब जब एस्ट्रोनॉट जब मून पे गए तो उन्होंने भी वहां से जब अर्थ को देखा तो वो कैसे देखा, बिल्कुल गोल शेप में, गोल के आकार के। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो सेलर्स हैड प्रूव्ड दिस फैक्ट। जो समुद्री रास्तों से जो सेलर होते थे, व्यापारी होते थे, इन्होंने भी क्या किया, इसको प्रूव किया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। They started sailing from a kitchen point and reached the same point from where they had started. उन्होंने क्या किया कि जहां से वो चलना शुरू किया, उन्होंने बिजनेस यानी अपना व्यापार करने लिए जहां से वो चले थे वहीं पे उन्होंने क्या किया, फिर आके अपना व्यापार खत्म किया, इसलिए उन्होंने प्रूव किया कि ये पृथ्वी कैसी है, गोल है। थर्ड वन इज ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ फॉलिंग ऑन द मून इज राउंड। देखो जब हमारा क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है तो उसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा पे या पृथ्वी पे क्या होता है, जब देखो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो आपने देखा होगा उसमें जो है जितना गोलाई में उसका वो पड़ता है, क्या परछाई पड़ती है, उतना वो क्या है, दिखता नहीं है, उतना वो चमकता नहीं है, उतना में क्या हो जाता है, एक प्रकार से ग्रहण लग जाता है। We know that the round object always casts a round shadow. देखो हमको मालूम है कि अगर कोई गोल चीज है तो उसका जो परछाई पड़ेगी वो भी कैसे पड़ेगी, गोल ही पड़ेगी, है ना। फिर आता है पास, why earth appears flat to us? हमको क्यों अर्थ जो है दिखती है कि फ्लैट है यानी चपटी है। The earth appears flat to us because what we see is a very small part of the bigger। जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमको क्या होता है, बहुत बड़ी अर्थ का हम एक छोटा सा भाग क्या करते हैं, देखते हैं, जिससे कि हमको क्या लगता है कि ये अर्थ जो है कैसी है, फ्लैट है यानी चपटी है, समतल है। ये स्मॉल पार्ट ऑफ सच ए बिग ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्लैट, इसलिए हमको छोटा भाग भी बहुत बड़ा भाग दिखता है किसमें, फ्लैट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको आगे बताएंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स।